फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास सामने एक मटकी है और ये अभी इनमें से बेबी निकल आए हैं। वो सामने देखें बेबी नज़र आ रहे हैं और मैं मटकी साफ़ करने के बारे में ये वीडियो है। जब बच्चे निकल आए तो मटकी को दोबारा वैसे मत लगा दीजिए, इसको अच्छे से साफ़ कीजिए। ये देखें मटकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके अंदर देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, तो इसको भी साफ़ करना मैं बताऊँगा आपको। इसको आप इस तरह से ये देखिए कितना ज़्यादा अंदर से ये गन सा निकला है। ये बिठे हैं बर्ड्स की, देखिए इसके अंदर भी कुछ जमा हुआ भी है अंदर। तो इसको साफ़ करने के लिए मेरे पास ये स्टिक है और ये नोकदार स्टिक है, इसे मैं अच्छे से इसको साफ़ करूँगा ताकि जो है बर्ड्स का जो ये जो है बिल्कुल क्लीन हो जाए, ताकि जो पेयर दोबारा बिल्कुल उसको सही मटकी मिले, दोबारा वो फिर इसमें एग देख सके। तो मैं अभी आपको अभी साफ़ करता हूँ इसमें मैं इसको इस स्टिक के नज़रिए। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए वीडियोज़ को, ताकि आप मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। तो मैं भी अभी इसको साफ़ करता हूँ ज़रा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखो मैं इसको मटकी साफ कर रहा हूँ और ये देखिए अभी इसके अंदर से अभी मज़ीद निकल रहा है। अभी तकरीबन थोड़ी सी मटकी साफ़ करना बाकी है। फ्रेंड्स ये मटकी साफ़ हो चुकी है और बाकी बहुत ज़्यादा अंदर से ये देखें ये गंद निकला है। और तो इसको मैं दोबारा अभी इसकी जगह पे लगा दूँगा, ताकि ये मेरा जो पेयर है ये दोबारा ब्रीड के ऊपर आ जाए। और ये हर बार मटकियाँ चेंज करता है, देखते हैं पुरानी मटकी में एग्स देता है या नई मटकी में किसी में एग्स देता है। तो दोस्तों मैं अभी इसको इसकी जगह पर लगा देता हूँ। ये मैंने इसको इसकी जगह पे प्लेस कर दिया है, ये देखिए यहाँ लगा दी है मटकी साफ कर कर। और ये मेरा जो पेयर है और ये दोबारा इंशाल्लाह ये एक वीक या डेढ़ वीक के अंदर अंदर दोबारा इसमें एग्स दे देगा। और ये इसके पहले बेबीज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, दो बेबीज़ ने। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।